आधार एग्जाम पैटर्न चेंज। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे और दिखाएंगे क्या यूआईडीए का आधार एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है। हाँ चेंज हुआ है तो क्या चेंज हुआ है, क्या क्वेश्चन आंसर वही आने वाला है जो पहले एग्जाम के टाइम आता था, क्या अभी एग्जाम में क्वेश्चन कम आने लगा है। तो चलिए इस वीडियो में कम्प्लीट जानकारी देते हैं जो यूआईडीए के ऑफिशियल वेबसाइट में है। आप सभी को ये पता होगा, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, पुराने व्यूवर्स हो, तो आधार रिलेटेड सभी वीडियो आप सभी को मैंने दिया है। जैसे आधार एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करें, जैसे आधार एग्जाम के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करें, आधार एग्जाम का हिंदी क्वेश्चन आंसर, आधार एग्जाम का इंग्लिश क्वेश्चन आंसर, आधार सेंटर कैसे खोले, तो ये सभी डिटेल्स एक एक वीडियो में हम आप सभी को वो जानकारी दिए थे। लेकिन वही वीडियो में काफी दिनों से, लगभग कुछ ही दिनों से जो है कमेंट आना स्टार्ट हुआ है, क्या यूआईडी का एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, क्या यूआईडी का क्वेश्चन आंसर चेंज हुआ है, क्या यूआईडी का जो क्वेश्चन आता था वो कम हो गया है। तो चलिए ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप आधार का एग्जाम देना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में, यूआईडी के ऑफिशियल वेबसाइट में आओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, एग्जिस्टिंग टेस्ट स्ट्रक्चर। तो ये 2019 वाला था जो अप्लाईकेबल था। अब यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर वही है, 510 क्वेश्चन वाला जो पीडीएफ मिल रहा था आप सभी को, वही क्वेश्चन आंसर यहाँ आपको मिल जाता है। तो हिंदी इंग्लिश सभी लैंग्वेज वाला यहाँ पर अभी भी वो अवेलेबल है। लेकिन आप जैसे यहाँ स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ न्यू टेस्ट स्ट्रक्चर एप्लीकेबल जनवरी 2022, मतलब ये चालू हो चुका है, ये लागू हो चुका है। अब ये लागू हो चुका है तो चलिए इसे डिटेल्स में समझेंगे कि क्या क्या चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा है, अगर ये क्वेश्चन आंसर अभी तक आपने नहीं देखा, हालांकि ये 510 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और हम आप सभी को जो दिए थे वो चुन चुन के दिया गया था, उसमें आपका लगभग 150 क्वेश्चन और उसका आंसर भी था, और एक पीडीएफ दिए थे उसमें आपका 210 क्वेश्चन था। और अगर वो सब अगर आप रट्टा मार लेते हो तो आप आधार का जो है एग्जाम पास कर लोगे। और यहाँ पास करने के लिए कितना नंबर आपको लाना पड़ेगा वो सभी डिटेल से बताएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यू स्ट्रक्चर में देखोगे एप्लीकेबल जो हुआ है, अप्लाईकेबल जो हुआ है वो 10 जनवरी 2022, मतलब अभी इसी के रूल से चलना पड़ेगा जो अभी नया रूल्स निकाला है। तो यहाँ पर देखो कि सभी हैंडबुक में दिया गया है, हिंदी इंग्लिश सभी में दिया गया है। तो हम इंग्लिश वाला ओपन कर देते हैं। पहले इंग्लिश वाला ओपन करोगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर वो जो इसका टेबल है, टेबल देखोगे तो टेबल में तो वही है। क्वेश्चन आंसर का पहले हम बात करते हैं, ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पर देखोगे 9 चैप्टर है जो पहले से था, ठीक है, जो पहले से था 9 चैप्टर वो है ये है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे इंट्रोडक्शन टू यूआईडी एंड आधार, तो ये वाला अभी भी है। अगर आप यहाँ पर जाओगे पुराना वाला में, मतलब क्वेश्चन आंसर के जगह में जाओगे, यहाँ पर देखो 500 क्वेश्चन आंसर का, तो इसे हम इंग्लिश वाला ओपन कर देंगे तो यहाँ पर वहीं से शुरू होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू यूआईडी आधार, मतलब इस चैप्टर में कितना क्वेश्चन है, इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन लिया जाएगा, वह सभी डिटेल्स बताएंगे। मतलब आप ये समझ लो और ये जान लो कि क्वेश्चन और आंसर में कहीं चेंजिंग नहीं हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर वही है, आप जो पढ़े हो उसी में से आएगा, मतलब यहाँ जो दिया गया है उसी में से आएगा, लेकिन चेंज क्या हुआ है वो भी बताएंगे। तो यहाँ पर देखो ये सारा कुछ चैप्टर 9 तक चैप्टर है, और यहाँ भी आपको इस पीडीएफ में जो क्वेश्चन आंसर दिया गया है वहां भी आपको 9 चैप्टर तक मिल जाता है। तो चलिए अब चेंज क्या है वो बताते हैं। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे जो जो न्यू स्ट्रक्चर है 2022 वाला, तो यहाँ पर आपको एक हैंडबुक दिया गया है। तो हैंडबुक में अगर देखोगे तो न्यू हैंडबुक में तो कुछ इस प्रकार से खुलेगा। न्यू हैंडबुक में तो आपको ये बताया गया है कि, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या क्या आने वाला है उस तरह तो बताया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। इमेज के साथ दिया गया है हैंडबुक जिसे बोलता है। यहाँ पर न्यू स्ट्रक्चर में ये सारा कुछ डिटेल्स दिया गया है, साथ में आधार कार्ड कैसे बनाना है, आधार कैसे फिंगर कैप्चर करना है, मतलब कंप्लीट जानकारी, आपका सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है आपके सिस्टम में। आप नीचे आओगे तो नीचे सारा कुछ इस पीडीएफ में दिया गया है, मतलब पूरी डिटेल से समझाया गया है यहाँ पर देखोगे इमेज के साथ, ठीक है। अभी चेंजिंग क्या हुआ है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पर देखो न्यू टेस्ट स्ट्रक्चर फॉर ECMP ऑपरेटर कॉम सुपरवाइजर चाइल्ड डेवलपमेंट ऑपरेटर सर्टिफिकेट एप्लीकेबल
1 जनवरी 2022 तो इसमें हम क्लिक करेंगे इंग्लिश वाले में, तो यहाँ पर देखो ये वाला पेटेंट खुल जाता है। तो अभी इसका पेटेंट क्या है, मतलब अभी जो चेंजिंग हुआ है वो क्या हुआ यहाँ पर देख सकते हो। अभी यहाँ 9 चैप्टर तक है, यहाँ पर देखो चैप्टर देखोगे चैप्टर नंबर में तो यहाँ पर आपका 8 तक मिल जाता है। नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर देखो चैप्टर नंबर 9। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि चैप्टर नंबर इससे आपका लगभग 6 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। इसके लिए आपको 6 मिनट टाइम मिलेगा और इसमें 6 में से 6 नंबर आपको मिलने वाला है। अगर आप उसका सही आंसर दे देते हो, मतलब एक एक आंसर के पीछे आपको 1 नंबर मिलने वाला है। उसी हिसाब से देखोगे तो रजिस्ट्रार, एनरोलमेंट एजेंसी एंड एनरोलमेंट स्टाफ, अगर इस चैप्टर से आपको लगभग 17 क्वेश्चन आने वाला है और इसमें आपको 17 नंबर मिलने वाला है। टाइम कितना मिलेगा इसके लिए आपको 19 मिनट पकड़ के चलिए, मान लो 20 मिनट चलेगा, यहाँ 19.5 दिया गया, ठीक है। तो आप 20 मिनट पकड़ के चलो कि रजिस्ट्रार, एनरोलमेंट एजेंसी एंड एनरोलमेंट स्टाफ वाला जो चैप्टर है वहां से आपका 17 क्वेश्चन दिया जाएगा। यहाँ पर देखोगे ऑनबोर्डिंग ऑफ एनरोलमेंट एजेंसी एंड एनरोलमेंट स्टाफ, इसमें से आपका 5 क्वेश्चन दिया जाएगा। 5 क्वेश्चन में 5 मिनट मिलेगा और इसमें 5 नंबर भी मिलेगा। तो इसी हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखते जाओगे तो यहाँ गाइडलाइन फॉर एनरोलमेंट ऑपरेटर सुपरवाइजर ऑन क्वालिटी ऑफ एनरोलमेंट, तो यहाँ पर देखो इसमें आपका 16 क्वेश्चन आने वाला है, 20 मिनट टाइम मिलेगा और 16 नंबर मिलेगा। आप अगर ये वाला चैप्टर रट्टा मार ले तो अच्छी तरह से तो 16 नंबर इसमें आ जाएगा। ये वाला चैप्टर अच्छा से मार ले तो रट्टा तो यहाँ पर 10 नंबर आ जाएगा, यहाँ पे 16 नंबर आ जाएगा, यहाँ भी 17। तो यहाँ पर आपका टोटल अगर जिसमें आपका ज्यादा नंबर देने के लिए बात कर रहा है, अगर वो चैप्टर अगर ज्यादा रट्टा मारते हो तो आप 100% पास होने का बहुत ही ज्यादा चांस रहेगा। अब पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए वो भी दिखाते हैं आप सभी को यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं जहां पर जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आता है वहां पर देख लेते हैं कैलकुलेशन करके कि कितना क्वेश्चन आने वाला है, जो 48, 10, 58, 60। अगर आप ये चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 ये सारा रट्टा मार लेते और सभी क्वेश्चन अगर याद कर लेते हो आंसर के साथ, तो यहाँ पर आपका 60 नंबर 100% आने वाला है। तो यहाँ पर ये नहीं कि आपको यही पढ़ना है, चलिए हम आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके दिखाते हैं कि यहाँ पर चाइल्ड एनरोलमेंट जो है, चाइल्ड एनरोलमेंट के लिए यहाँ पर आपको कितना क्वेश्चन आने वाला है अगर चाइल्ड एनरोलमेंट का काम करना चाहते हो। तो यहाँ पर टोटल में देखोगे तो आपको 120 मिनट मिल जाता है, मतलब घुमा फिरा के बोले तो आपको 2 घंटा टाइम मिलेगा, उसमें 100 क्वेश्चन आने वाला है। तो चेंजिंग यहीं पर हुआ है, पहले 110 क्वेश्चन आता था, अभी 100 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। मतलब 10 क्वेश्चन जो है हटा दिया गया है, अभी सिर्फ 100 क्वेश्चन आने वाला है, पहले 110 क्वेश्चन आ रहा था। तो यही स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। और साथ में यहाँ पर आपका एग्जाम देखो, अगर आप 55x55 लाते हो या उससे ज्यादा लाते हो तो आपका ऑपरेटर या सुपरवाइजर में मिल सकता है। अगर आप 55 से कम लाते हो तो आप एग्जाम पास नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आप 55 लाते हो या 55 से ज्यादा लाते हो तो ऑपरेटर या सुपरवाइजर में मिल सकता है, अगर आप 55 से कम लाते हो तो आपको फेल माना जाएगा, ठीक है। तो याद रखोगे 55 नंबर से ज्यादा लाना होगा आपको, हो सके तो आप 70 ले आओ तभी जाके आपको सुपरवाइजर में मिलने वाला है। अगर 55 लाते हो या फिर 56 लाते हो तो उसमें ऑपरेटर आने का ज्यादा चांस रहेगा। तो यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपका चाइल्ड इनरोलमेंट वाला में देखोगे तो चैप्टर नंबर इसमें आपका 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 2 में आपका 23 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें आपका 35 क्वेश्चन आता है, 35 क्वेश्चन में आपका 35 नंबर मिलने वाला है। अगर आप चाइल्ड एनरोलमेंट का एग्जाम देना चाहते हो तो इसमें आपका 19 नंबर लाना जरूरी है और इसमें 50 मिनट का एग्जाम होगा, इसमें टाइम आपको मिलेगा 50 मिनट का, जिसमें 19 क्वेश्चन आपको करेक्ट लाना होगा, मार्क जो है 19 लाना पड़ेगा तभी आप इसमें पास कर पाओगे। और सुपरवाइजर ऑपरेटर वाला में 55 या उससे ज्यादा, अगर 55 से कम गया तो आप फेल हो जाओगे, आप उसे दोबारा एग्जाम करोगे, ठीक है। एक चीज यहाँ पॉइंट है याद रखोगे, मान लो आपने यहाँ 56 ले आया तो आप समझ रहे हो कि क्या मुझे सुपरवाइजर मिल जाएगा, नहीं, इसमें आपका ऑपरेटर मिलने का चांसेस है, ऑपरेटर भी मिल सकता है। अगर आप ऑपरेटर में आ जाते हो तो आप वो दोबारा एग्जाम
कर सकते हो, मतलब उसी जो रेफरेंस नंबर मिलता है उसी में से दोबारा आप रीअप्लाई कर सकते हो और दोबारा सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हो, सुपरवाइजर का एग्जाम दे सकते हो। अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको फिर से पेमेंट करके आपको एग्जाम देना होगा। तो यहाँ पर काफी लोग परेशान थे, मतलब जब से ये न्यूज पेपर में आया है कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, मतलब लोग समझने लगा कि क्वेश्चन आंसर चेंज हो गया या फिर क्या हो गया, कैसे एग्जाम होगा। तो यहाँ पर वो कमेंट देख के मैंने ये वीडियो बनाया कि क्या क्या चेंज हुआ है। कुछ नहीं चेंज हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपका 110 क्वेश्चन के जगह 100 क्वेश्चन कर दिया गया है और यहाँ मार्क अभी हाईलाइट कर दिया है कि आपको कितना मार्क लाना है और कैसे पास, कितना में कैसे पास कर पाओगे, ठीक है। और साथ में ये हैंडबुक भी है, तो हैंडबुक अच्छा फायदा उठाओ इसका, हैंडबुक के थ्रू अगर आप पढ़ना चाहते हो, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, तो वो ज्यादा फायदा मिलेगा इसमें। साथ में क्वेश्चन आंसर डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो जो 510 क्वेश्चन रहेगा, और एक जो शॉर्ट में दिया गया है लगभग 210 क्वेश्चन है वहां से भी आप पढ़ सकते हो, तो उसका भी डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ले सकते हो। अगर आपने अभी तक एग्जाम नहीं दिए हो, रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो, तो उसका वीडियो हम पहले ऑलरेडी बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे सभी प्रकार का लिंक मिलेगा, आप जिसको जो जरूरत है उसी लिंक में क्लिक करके जा सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक कमेंट में बताइएगा कि किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए। इस वीडियो में यही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते फिर एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।